हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ दो वर्ण विचार के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं तो उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। तो जो ये चिन्ह होते हैं, जो ध्वनि के जो चिन्ह होते हैं, उनको ही वर्ण कहते हैं। या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो सबसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके कि टुकड़े नहीं हो सकते, तो उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, क, ख, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला में कितने स्वर हैं? वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो कुल कितने हैं? 11 स्वर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर। फिर है स्वर के, तीसरा प्रश्न है हमारा, स्वर के कितने प्रकार हैं? तो इसमें स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 स्वर बताए गए हैं, ठीक है। फिर है, अयोग वह स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण न स्वर न व्यंजन का आधार लेकर बोले जाएं, वे अयोग वह कहलाते हैं। जैसे अंग, आहा और जो हम अंग की मात्रा लगाते हैं वो अयोग वह स्वर को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे अंग है तो अंग की मात्रा में जिसमें जो हम शब्द लिख रहे हैं उसमें अगर अंग की मात्रा आ रही है तो वो अयोग्य स्वर हुआ। जैसे महंत, आनंद, संसार। फिर है आहा। आहा से जैसे प्रायः, अतः और फिर है अंग, चंद्रबिंदु वाला जो अंग की मात्रा होती है चंद्रबिंदु वाली, जैसे दांत, चांद, ऊंट। तो इस तरीके से वर्ण विचार के ये हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं। इनको आपको अपनी हिंदी सेकंड की जो आपकी नोटबुक है उसमें इनको उतारना है और कुछ प्रश्न हम कल करेंगे, ठीक है। बाय।